आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूं यानी कि मैं जिस तरीके से वीडियो अपलोड करता हूं वो बताने वाला हूं साथ ही मैं ये बताने वाला हूं वीडियो अपलोड करने के बाद क्या क्या आपको करना चाहिए ऐसे तुरंत आपको पब्लिक नहीं करना चाहिए वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको करना चाहिए तो क्या क्या ऐसे चीज है जिसको करना चाहिए मैं आपको सारे चीज डिटेल में बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर नहीं आ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अगर आपका कोई भी सवाल है जरूर कमेंट कर देना साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले अपने उस ईमेल पे आ जाना है जिस ईमेल पे आपका चैनल है जिस ईमेल पे आप, आप वीडियो का अपलोड करना चाहते हैं तो मैं उस ईमेल पे आ चुका हूँ उस चैनल पे आ चुका हूँ इस चैनल का नाम है लास्ट टाइम यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं लास्ट है लिखा हुआ है एंड आप देख सकते हैं मेरे सारे वीडियोज़ यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पर जो कि यहाँ पर नीचे प्लास का जो आइकॉन दिख रहा है इस पर मैं सीधा क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अपलोड वीडियो है यहाँ पर क्रिएट शॉर्ट है अपलोड वीडियो है गो लाइव है एंड क्रिएटिव पोस्ट है यहाँ पर मैं सीधा अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो भी वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरा ये वीडियो है इस वीडियो को मैं जो किया सिलेक्ट कर लूंगा मैं आपको के देने वाला। जो बेस्ट ये जो मेरा वीडियो है यह है कि फाइव बेस्ट फेसलेस चैनल के ऊपर वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और कैसे अपलोड करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइटल है इसका मैं देने वाला हूँ फाइव बेस्ट एसलेस चैनल आइडियाज ओके इसके बाद मैं कुछ इमोजी देने वाला हूँ क्योंकि इमोजी से अट्रैक्ट होता है यहाँ पर मैं इमोजी देने वाला हूँ कौन सा इमोजी दे सकता हूँ यहाँ पर ये यह बोला इमोजी दे दूंगा ठीक है कुछ देखने में भी, भी अच्छा लग रहा है और कुछ अट्रैक्ट लग रहा है आंखों को और इससे ज़्यादा कि आपको जो कि टाइटल जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि टाइटल लॉन्ग करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा टाइटल जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा देन यहाँ पर मैंने इसको कर दिया एंड इसको कॉपी करके फिर क्या कर दूँगा ना इसको पूरा कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर, पर एड ए डिस्क्रिप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ओके okay? पेस्ट करने के बाद यहां से बैक कर लूंगा बैक करने के बाद यहां पर जो कि आपको आप देख सकते हैं यहां पर जो कि अनलिस्टेड है ठीक है यहां पर पब्लिक आपको नहीं करना है सीधा अनलिस्टेड करके अपलोड करना है अपलोड करने के बाद बहुत से ऐसे चीज है जिसको करना है तो मैं आपको आगे बताता हूं क्या, क्या क्या करना है तो यहां पर और कुछ नहीं करना है सिर्फ यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करके यहां पर जो कि ये जो आ रहा है अगर आपका है कि छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे तो यहाँ पर इस इट्स मेड फॉर किट अगर आप छोटे बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे तो इट्स नॉट मेड फॉर किट तो मेरा जो वीडियो है वो छोटे बच्चों के लिए भी है एंड बड़े के लिए भी है तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला सीधा यहां पर अपलोड वीडियो पर क्लिक कर दूंगा ठीक है सो so, मेरा यह वीडियो जो कि अपलोड होने लग गया है तो अपलोड होने लग गया तो हम लोगों का जो जियो का नेटवर्क आप देख सकते हैं कुछ टू सिक्सटी थ्री वन फिफ्टी नाइन के वीपीएस चल रहा है तो यह बहुत ही स्लो है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो अभी रुकते हैं थोड़ी देर और उसके बाद जब वीडियो अपलोड होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या ऐसे चीज़ें जिसको करना चाहिए अपलोड होने के बाद सो so, मेरा वीडियो जो कि यूट्यूब पर अभी अपलोड हो चुका है मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो खोल के दिखाता हूं यहाँ पर सो ये आप यूट्यूब स्टूडियो देख सकते हैं डैशबोर्ड देख सकते हैं डैशबोर्ड में ये वीडियो शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होने के बाद डैशबोर्ड में शो करता है तो यहां पर मैं कंटेंट में जाऊंगा एंड कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जितने सारे वीडियोस हैं सारे वीडियो शो करे और यहाँ पर जितना व्यूज आते हैं ना यहाँ पर आप जो भी व्यूज देख रहे हैं ये सारे व्यूज जो कि यूट्यूब में शो करता है और डैशबोर्ड में जो व्यूज़ शो करता है वो ओरिजिनल व्यूज होता है जो ऑलरेडी आ चुके होंगे सो ऊपर आप देख सकते हैं जिस वीडियो को मैंने अभी अपलोड किया वो वीडियो जो कि ऊपर आ चुका है इस पर कोई थमनल वगैरह कुछ नहीं लगा है तो इसको मैं सारा अभी मॉडिफाई करने वाला हूँ सारा अभी चेंजेस करने वाला आप लोगों के सामने क्या क्या चेंजेस करने वाला मैं आपको सारे चीज़ दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो कि क्लिक करके इसको खोल लेते हैं मैंने इसको खोल लिया तो ऊपर में आप देख सकते हैं एक बैक का बटन है एक एडिट का बटन है एक शेयर का बटन है एक यूट्यूब का बटन है मतलब यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हैं यहाँ पर शेयर कर सकते हैं यहाँ पर जो कि एडिट कर सकते हैं तो इस वीडियो को मैं एडिट करने वाला हूँ शेयर करने, करने वाला नहीं हो बैक करने वाला नहीं हो सिर्फ़ एडिट करने वाला तो यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक कर लूँगा एडिट पर एंड एडिट पे, पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं सारे चीज़ यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पर आप टैग देख सकते हैं कुछ नहीं लगा है एंड यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो कि अनलिस्टेड है यहाँ पर पब्लिक नहीं है एंड यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन ऑन करता हूँ तो मैंने ऑन कर दिया और ये ऑन करने का वजह भी है कि कभी कभी एक दो बार लग जाता है पंद्रह मिनट दस मिनट पाँच मिनट दो मिनट लग जाता है मोनेटाइजेशन ऑन होने में तो इसलिए मैं पहले ऑन करता हूँ एंड उसके बाद जो कि यहाँ पर थंबनेल मुझको लगाना है तो यहाँ पर क्लिक कर लूँगा एडिट पे एडिट पे क्लिक यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर लूँगा एंड एडिट पे क्लिक करने के, के बाद यहाँ पर जो कि सिंपल थम्नल का एडिट है यहाँ पर थंबनेल के एडिट पे क्लिक कर दूंगा कस्टम थंबनेल पे क्लिक करूंगा यहाँ पर जो भी थंबनेल है थाम हैल पर, पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा सिलेक्ट करने के बाद मैं जो कि पर अपलोड कर दूंगा तो मैं यहाँ पर थंबनेल अभी अपलोड करने वाला तो नहीं हूं क्योंकि मैंने थंबनेल इसका बनाया नहीं है मैं जब थंबनेल बनाऊंगा तब तो भी आपको दिखाऊंगा ये थंबनेल कैसे बनाते हैं सो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि थंबनेल कैसे लगाते हैं इसके बाद मैं अभी चल जाऊंगा दूसरा ऐप में जिसका नाम है भीड आई क्यू तो मैं यहाँ पर भी डाइक्यू को ओपन करता हूँ यहाँ पर जो कि भी डाई क्यू को ओपन कर लिया है एंड ये इसका होम बटन है होम पे ये सब दिखाता है इसके बाद डेली आइडिया

इंस्टाग्राम आईडी एंड जो की है फेसबुक आईडी जो भी एफिलिएट लिंक है अमेजोन का सारे चीज को मैं कॉपी कर लूंगा एंड योर क्वेरी तक कॉपी कर लूंगा कॉपी करने के बाद यहां पर कॉपी कर लूंगा एंड कॉपी करने के बाद जो मेरा आज का लेटेस्ट वीडियो है जो मैंने पब्लिक किया अभी उस वीडियो पर आ जाऊँगा एंड आने के बाद यहां पर मेरे को जो कि डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिखना है तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूँ तो मैं ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं लगता हूँ मैं जितना हो सके सारा चीज़ शॉर्ट में करने का कोशिश करता हूँ so सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी शॉर्ट में लिखने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको फाइव बेस्ट फेसलेस चैनल का के आइडिया के आइडियाज़ के बारे में बताया सॉरी बताया है जो एस टी स्टार्टिंग से ही सॉरी जिसमें करेंगे सॉरी जो नहीं होगा जिसमें स्टार्टिंग से ही ई डब्ल्यू एस व्यूज़ आएगा हो गया मेरा यहाँ पर हमने मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका कंप्लीट कर दिया मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लगा दूँ ठीक है और यहाँ पर सिर्फ लिखने वाला अगर आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना देन यहाँ पर प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर जो भी मेरा कॉपी है उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर मैंने जो कि पेस्ट कर दिया एंड जो कि यहाँ पर फिर प्रेस करूँगा फिर पब्लिक चेंज टू योर वीडियो पर क्लिक कर दूंगा तो ये वीडियो मेरा जो कि है सेव हो चुका है ठीक है ये सेव हो गया एंड उसके बाद जो कि मैं यहाँ पर टैग लगाने वाला हूँ ठीक है टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइटल का दूसरा नाम टैग होता है मैंने इससे पहले भी आपको बताया वीडियोज में तो यहाँ पर टैग लगाने वाला हूँ टैग में क्या लगाना है सबसे पहले मेरा चैनल का नाम दूंगा लास्ट ट्राई ठीक है ये जो कि है इसको क्लिक करके ऐड सिलेक्ट की वर्ड पर क्लिक कर दूंगा एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया यहाँ पर देख सकते हैं आप टैग लग गया है टैग लगने के बाद यर क्वेरी के नीचे भी आ गया है तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्लिक कर दूंगा एंड जो कि योर क्वेरी के नीचे मैं उसको लास्ट ट्राई को ला दिए हैं बहुत सारे भाई सर्च करते हैं लास्ट ट्राई इसलिए मैं लास्ट ट्राई को रखता है और अपना चैनल का टैग देना भी चाहिए ठीक है एंड उसके बाद मैं पब्लिक चेंज टू योर वीडियो कर दूंगा सबसे पहले क्योंकि ये मेरा जो कि स्टार्टिंग टैग है इन इस टैग को मुझे लगाना ही चाहिए इसलिए मैं जो कि यहाँ पर लगा के सेव कर दिया इसके बाद आप देख सकते हैं एस का स्कोर सेवन आ चुका है ठीक है यहाँ पर क्या आ गया स्कोर सेवन जो कि क्यू इन डिस्क्रिप्सन वन आ गया ओके कोई बात नहीं एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फिर टैग में जाऊँगा एंड टैग में जाने के बाद यहाँ पर लिखूँगा सिंपल सा फाइव बेस्ट फेसलेस फेसलेस यूट्यूब चैनल ठीक है जो भी आएगा उस पर क्लिक कर दूंगा सार्ज वॉल्यूम देख लूंगा आप देख सकते हैं यहां पर टॉप फाइव यहां पर इस पर क्लिक कर लूंगा फेसलेस इस पे क्लिक कर लूंगा यूट्यू इस पर क्लिक करूँगा यूट्यूब सॉरी यूट्यूब चैनल आइडिया विदाउट शोइंग योर फेस इस पर क्लिक करूँ लेकिन मैं यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन पर क्लिक नहीं करूँगा क्यों नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये टैग लगाना नहीं है जो चैनल पे है वही टैग लगाना है क्योंकि दस टैग लगाएंगे तो उसके पास तो इम्प्रेशन जाएगा लेकिन वो वीडियो को क्लिक नहीं करेगा तो इसके लिए मुझे वही टैग लगाना जो ऑलरेडी मेरे वीडियोस पे है तो यहाँ पर मैंने इसको एडसेलेक्टेड की वर्ड पर क्लिक कर दूंगा क्लिक कर दे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टैग आ गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट योर क्वेरी के नीचे भी आ जाएगा पर आप देखिए आ गया तो इस पर क्लिक कर लूंगा सिंपल सा इस पर क्लिक कर लूंगा जो नहीं आया उसको भी मैं लिख लूंगा फेसलेस चैनल फेसलेस यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल सो मैंने लिख लिया यहां पर एंड पब्लिक चेंज टू पब्लिक चेंज टू योर वीडियो कर दूंगा एंड यहाँ पर देख सकते सारे टैग सेब हो गया एंड उसके बाद नीचे नीचे टैग ऑलरेडी आ जाएगा तो यहाँ पर, so पर आप देख सकते तीन टैग नीचे आ गया सो मैं इन टैग को ही जो कि लगा लेता हूँ ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस टैग को लगा लिया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रिलेटेड टैग आता है हमेशा तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप एंड इसके बाद जो की है जो मेरा टाइटल है उसको भी कॉपी कर लूँगा जो मेरा टाइटल है उसको भी कॉपी कर लूँगा आप देख सकते हैं ऑलरेडी अगर हो चुका है तो सही बात है अगर नहीं हुआ तो फिर मैं टाइटल को कॉपी कर लूँगा तो नहीं है टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पर जो किया सिलेक्ट करके यहाँ पर कीवर्ड आर्ड पर टैग कर दूँगा सिलेक्ट करके जो कि टैग पर ऐड कर दूँगा तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी यहाँ पर देख सकते फाइव बेस्ट फेसले चैनल आइडिया इसके बाद पब्लिक चेंज टू वीडियो कर दूंगा तो एस का स्कोर यहां पर देख सकते हैं फोर्टी टू हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते टैग काउंट सिर्फ दो आया है एंड उसके बाद टैग वॉल्यूम क्यू वर्ड इन डिस्क्रिप्शन सेम क्यू वर्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सभी में पांच आ चुका है सिर्फ एक में दो है इसको देखते हैं पांच होता है कि नहीं ठीक है तो मैं सारे टैग जो कि यहां से यहीं से ले लूंगा ठीक है यहीं से लेके से ले सेव कर दूंगा सॉरी 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 यूट्यूब चैनल आइडियाज पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कि सारे टैग को यहाँ पर लगा दिया है ना उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में वही टैग लगाने वाला हूँ जो टैग मैंने लगा दिया हूँ यहाँ पर योर क्वेरी के नीचे लगाने वाला हूँ तो मैंने जो कि अभी लगाया नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लिक करके सारे चीज़ को लगाने वाला हूँ सॉरी सॉरी वन मिनट और आप देख सकते हैं सारे जो टैग मैंने ऑलरेडी लगाए हैं उस टैग को मैं जो कि योर क्वेरी के नीचे लगा रहा हूँ मेरे जितने सारे टैग थे उस टैग को मैंने जो कि यहाँ पर योर क्वेरी के नीचे लिख दिए हैं आप देख सकते हैं मैंने जो कि लिख दिया पब्लिक चेंज टू योर वीडियो कर दूंगा ओके एंड यहाँ पर मैं चेक लिस्ट पे जाऊंगा एंड चेक लिस्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं टाइटल ठीक है डिस्क्रिप्शन ठीक है टैग ठीक है यहाँ पर आपने जो किए क्लोज कैप्सो नहीं लगाए हैं मेड पब्लिक नहीं किए और फेसबुक में आपने शेयर नहीं किए हैं साथ ही हैशटैग नहीं लगाए तो मुझे यहाँ पर हैशटैग भी लगाना है तो मैं यहाँ पर हैशटैग लगा दूंगा पहले तो अपना चैनल का नाम दूंगा लास्ट ट्राई एंड उसके बाद फेसलेस चैनल आइडिया दूंगा फेसलेस चैनल आइडिया फेसलेस बेस्ट चैनल आइडिया बेस्ट चैनल आइडिया दो हजार तेईस दे दूंगा ओके okay? तो मैंने यहां पर देखे सारे चीज को मैं यहाँ पर सेव कर लेने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो किया हैश टैग भी डिस्क्रिप्शन में आ चुका है ठीक है ए सी यू का स्कोर यहाँ पर टैग अकाउंट में सिर्फ थ्री दिखा रहा है अदरवाइज सारे चीज़ हो चुके हैं टैग अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर फोर्टी सिक्स एस सी ओ भी चले वीडियो अपलोड करने के बाद जो जो चीज़ होता है उस चीज़ को करने के बाद फोर्टी सिक्स यहाँ पर फिफ्टी में से फोर्टी सिक्स आया मतलब अच्छा ए सी ओ है ठीक है उसके बाद तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ को आपको करके दिखाया एंड इसके बाद आपको करना है विजिबिलिटी पे जाना है एंड अगर आपको अभी पब्लिक करना है तो पब्लिक पे क्लिक करके सेव कर देंगे एंड अगर आपको बाद में पब्लिक करना है या फिर जो कि टाइम देके पब्लिक करना है तो मैं जैसे टाइम देके पब्लिक करता हूँ यानी कि आज अगर साढ़े दस बजे मुझे अपलोड करना, करना है तो यहाँ पर मैं डेट एंड जो कि टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ साढ़े दस बजे ठीक है एंड उसके बाद जो कि मैं पब्लिक करता हूँ सो मैंने अभी इसका थंबनेल नहीं बनाया इसका थंबनेल बनाने के बाद इस पर थंबनेल लगाना है थंबनेल लगाने के बाद इस पर पब्लिक करूंगा मैंने सारी चीज को तो इस पर कर लिया आपको तो दिखाते थे एंड मैं सिर्फ इसमें पब्लिक करना रह गया है पब्लिक करूंगा जब आपका थंबनेल लगाऊंगा उसके बाद ओके सो so, मैंने सारे चीज़ आपको जो कि एक्सप्लेन कर दिया सारे चीज़ डिटेल में आपको दिखा दिया है क्या क्या मैं करता हूं एंड आप लोगों को सेम ही करना है मेरा जो भी वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में मैंने इसी तरीका का यूज़ किया है इसी तरीके के कारण मेरा वीडियो जो कि वायरल हुई है सो so, मुझे कॉमेंट कर देना ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इस तरीका का यूज़ करते हैं पहले से या फिर करने वाले तो भी कॉमेंट कर देना एंड साथ ही ये भी कर देना आपको थंबनेल से रिलेटेड वीडियो चाहिए थंबनेल कैसे बनाते हैं तो भी कमेंट कर देना ओके साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना चैनल पे पर आ रहे सब्सक्राइब कर देना वीडियो को भी लाइक कर देना साथ ही मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन में सारा आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम फेसबुक का ही मैं अभी फेसबुक पर भी पब्लिक करने वाला हूँ सारा वीडियोज को सो so, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच